والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربيع الأول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے میں نے اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں دو تین باتیں بتائی تھیں. آج میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور دنیا کے لوگوں پر کیا احسان کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت یہاں کا کیا حال تھا اور آپ کے آنے کے بعد یہاں کی حالت کیا ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا کا حال بہت برا تھا. دنیا کے حالات کے سلسلے میں ہم نے اور آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہے. یہ بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یہ بھی سنا کہ ان کے یہاں میدان میں بڑے فیلڈ میں طرح طرح کا کمپٹیشن اور کھیل ہوتا تھا. اس میں ایک کھیل یہ بھی ہوتا تھا کہ پورے میدان میں ایک انسان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے پیچھے ایک خونخوار کتے کو چھوڑا جاتا تھا اور وہ کتا اس انسان کو نوچ نوچ کر مار دیتا اور جب وہ چلاتا تھا تو لوگوں کی خوشی لوگ تالیاں پیٹتے تھے شور کرتے تھے. انسان کی قیمت اتنی گھٹیا ہو چکی تھی اس سماج میں انسان کا کوئی دام نہیں. بات بات میں لڑائی ہوتی اور 20 سال 30 سال 40 سال تک چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں لوگ لڑتے تھے. جو امیر تھے وہ غریب کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں. جو بڑے کشتی اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے چھوٹے قبیلے اور چھوٹے خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو ذرہ برابر اہمیت نہیں دیتے تھے دام نہیں دیتے تھے. اس زمانے کے اور اس وقت کے حالات کو جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہوگا. قرآن کریم نے اس وقت کے حالات کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. اس وقت کے لوگوں کے حالات اتنے گھٹیا ہو چکے تھے لوگ اتنے گر چکے تھے بالکل وہ
हलाकत, बर्बादी और जहन्नम के करीब पहुंच चुके थे। ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम इंसानों के साथ एहसान का मामला किया, कर्म का मामला किया और इस बिगड़ती हालत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया का मसीहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आहिस्ते आहिस्ते आपकी उम्र जब 40 साल को पहुंची और नबूवत मिली, फिर आपने लोगों के सामने अल्लाह के पैगाम को पेश किया, किस तरह जिंदगी गुजारनी है, क्या अच्छी चीज है और क्या बुरी चीज है, आपने लोगों को समझाया। बड़े बड़े उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों पर जो बड़े बड़े एहसान किए हैं उनमें से एक बहुत बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद की तालीम दी। तौहीद का मतलब होता है तमाम माबूदों को छोड़कर, तमाम मखलूकात को छोड़कर, अपने हाथ से बनाए हुए बुतों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह की इबादत करना, एक अल्लाह की पूजा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपके तशरीफ लाने से पहले और आपके इस दुनिया में आने के बाद भी अरब का खास तौर पे इतना बुरा हाल था कि बैतुल्लाह, जिसको वो लोग भी बैतुल्लाह कहते थे, अल्लाह का घर कहते थे, खाने काबा का वो लोग तवाफ करते थे, लेकिन हालत ये थी कि खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए, सफा और मरवा के दरमियान सही करते थे, लेकिन सफा पहाड़ पर एक बुत रखा हुआ था, मरवा पहाड़ पर एक बुत रखा हुआ था। जब सफा मरवा की सही करते, सफा से जब सही शुरू करते थे तो उस बुत को छूते थे और मरवा जाते थे। मरवा पहाड़ पर जो बुत रखा हुआ था फिर उसको जाकर चूमते थे। ये उन लोगों की हालत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी शिर्क के बारे में फरमाया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि दुनिया में जुल्म के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन तमाम तरीकों में जुल्म का सबसे बड़ा तरीका, सबसे घटिया तरीका यह है कि इंसान शिर्क करता हो, अल्लाह की इबादत में किसी दूसरे को शरीक करता हो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने दुनिया के तमाम इंसानों को सबसे पहली जो तालीम दी, सबसे बड़ी जो तालीम दी, वो तालीम ये दी, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों तुम अल्लाह को एक मानो, एक अल्लाह की इबादत करो और ये कहो कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। बस एक अल्लाह को अगर मानने वालों बन जाओगे, एक अल्लाह को मानने वाले बन जाओगे, तुम्हारी कामयाबी, तुफ्लिहून, कामयाब हो जाओगे तुम। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों के सामने अल्लाह का पैगाम सुनाया, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद मगर वो, ये जो बुत जिसकी तुम पूजा करते हो, इसकी इबादत करते हो, जहां चाहते हो वहां बुत बनाकर और उसके सामने सर टेकने लगते हो। बल्कि मशहूर था कि 33 करोड़ देवता थे, 33 करोड़ देवी और देवता की परस्तिश होती थी, लोग पूजा करते थे। किसी ने इसी को कहा कि उस वक्त की हालत ये थी कि जितना कंकर उतना शंकर,
कंकर का मतलब बालू, छोटा छोटा पत्थर। तो दुनिया में जितना छोटा छोटा पत्थर उतने ही मुशरिकों के माबूद थे, उतने ही बुत थे। हर जगह एक बुत, हर जगह एक बुत, और सारे के सारे लोग शिर्क परस्ती में मुब्तला थे। अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को ये तरीका बतलाया, दुनिया वालों के सामने ये पैगाम पहुंचाया, अरे अल्लाह ने तुमको अकल दी, अल्लाह ने तुमको दिल दिया, दिमाग दिया, सोचने की ताकत और शक्ति दी, अपने हाथ से जो बुद्ध बनाते हो तुम उसी बुद्ध के सामने कैसे सर झुकाते हो, उसी बुद्ध की कैसे पूजा और इबादत करते हो। इस बुद्ध का हाल तो यह है कि अगर इसके सामने कोई जानवर आकर इसके शरीर पर पेशाब कर दे, ये बुद्ध उसको भगा नहीं सकता। अगर उसके सामने शीरनी मिठाई वगैरह रखी हुई हो और मक्खी आकर बैठ जाए, ये बुद्ध उस मक्खी को भी नहीं भगा सकता। बेजान है, बेहिस है, तुम इसकी कैसे इबादत करते हो। याद रखो कि तुम्हारा भी रब और सबका रब, तुम्हारे बाप दादा का रब, सबका रब एक अल्लाह है। रब्बुकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, कि तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे बाप दादा जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सबका रब सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह। और वो अल्लाह क्या है? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का तारुफ और इंट्रोडक्शन कराया सूरह इखलास के जरिया। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाद है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह को किसी की कोई जरूरत नहीं। दुनिया के सारे लोग अगर एक अल्लाह की इबादत को छोड़ दे, मस्जिद आना बंद कर दे, नमाज पढ़ना बंद कर दे, अल्लाह का नाम लेना बंद कर दे, अल्लाह की उलूहियत में और अल्लाह के माबूद होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का माया और एहसान है कि अल्लाह ने हमको और आपको तौफीक दी और मस्जिद में आकर दो चार रकात नमाज पढ़ देते हैं, घर में बैठकर कभी कुरान की तिलावत कर देते हैं, अल्लाह का जिक्र कर देते हैं। लम यलिद, अल्लाह ने, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह का कोई लड़का लड़की नहीं है, अल्लाह का कोई संतान है ही नहीं। वलम यूलद, और अल्लाह भी किसी का संतान नहीं है, न वो किसी का बाप है और न उसका कोई बाप है। इस तरह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का इंट्रोडक्शन और एक अल्लाह का लोगों के सामने तारुफ पेश किया। तो दुनिया वालों को जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा जो दुनिया वालों पर एहसान किया कि पूरी दुनिया उनकी पूजा में मुब्तला थी, शिर्क और बुत परस्ती हुआ करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि छोड़ो उसको और एक अल्लाह की इबादत करो। वो अल्लाह कौन है? वो अल्लाह वो है जो रोजाना सूरज को निकालता है, रोजाना चांद को निकालता है। वो अल्लाह वो है जिसने तुमको पैदा किया, दुनिया की तमाम मखलूकात को, दुनिया की सारी चीजों को पैदा किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा एहसान तो ये था। दूसरा एहसान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के लोगों को वहदत इंसानी का तसव्वुर दिया। वहदत इंसानी का तसव्वुर दिया, इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त का हाल ये था कि दो बड़े मजहब गुजरे थे, एक यहूदियत और एक ईसाइयत, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम। ये दोनों दोनों के दोनों कौम, यानी यहूदी और ईसाई, साफ तौर पर ये कहा करते थे, ऐलान करते थे कि ऐ लोगों, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं, हम जो यहूदी है, जो ईसाई है, हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के दोस्त, हम ही अल्लाह के संतान हैं, हमको ही अल्लाह मोहब्बत करता है, तुमसे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कोई वैल्यू, मकाम और मर्तबा नहीं है। बाद लोग ये कहते थे कि हम सूरत वंशी है, यानी हम सूरत के औलाद है,
सूरज के खानदान के हम लोग है, कोई कहता था हम चंद्रवंशी है, यानी आसमान में जो चांद निकलता है हम उसके खानदान से है, हमारा मकाम हमारा वैल्यू और हमारा मर्तबा बना है। जो अमीर होता था वही अपने आप को समाज का सब कुछ समझता था। खुद अरब का हाल यह था कि अरब के लोग बाकी दुनिया के सारे लोगों को अजम कहते, अजम, और अजम का मतलब होता है गूंगा, यानी जो बोल नहीं सकता हो, जिसके अंदर बोलने की ताकत और शक्ति ना हो उसको गूंगा कहा जाता है, और अरबी जबान में उसको अजमी, यानी वो लोग दुनिया के सारे इंसान को अजमी कहकर ये बात बतलाते थे कि तुम्हारे अंदर बोलने की भी शक्ति नहीं, ताकत नहीं, तुम्हारा कोई वैल्यू और मकाम नहीं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस दुनिया में आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन दकर व अंसा, अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाया कि अल्लाह ने दुनिया के लोगों को पैदा किया एक मर्द से एक और एक औरत से, इन्ना खलकनाकुम मिन दकर व अंसा, यानी आदम और हव्वा की औलाद है, हम सब के सब उसी दो इंसान के औलाद है। और फिर फरमाया, वजअलनाकुम शुउबन व कबाइला लितअारफू, तुम लोगों को अलग अलग बस्ती में अलग अलग खानदान में बनाया, इसलिए नहीं कि उस खानदान का आदमी बड़ा है, इस खानदान का आदमी छोटा है, उधर के लोग बड़े हैं इधर के लोग छोटे हैं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग खानदान और बस्ती में पैदा किया, लितअारफू, ताकि एक दूसरे को पहचान सके, एक दूसरे को पहचान सको कि यह आदमी बिहार का है, यह आदमी यूपी का है, यह आदमी सैयद है, यह आदमी फला है, यह आदमी फला है, पहचानने के लिए अलग अलग खानदान और कबीला बनाया। बाकी किसका मकाम वैल्यू और मर्तबा अल्लाह के यहाँ बड़ा है उसको आगे बयान फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अत्काकुम, याद रखो अल्लाह के यहाँ वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू न तो यहूदी का है न ईसाई का है न किसी और का है, अगर अल्लाह के यहाँ इज्जत मकाम मर्तबा और वैल्यू है तो उसका है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। अल्लाह से जो जितना ज्यादा डरेगा, अल्लाह का भय, अल्लाह का खौफ, भय और खौफ का मतलब होता है कि अल्लाह की इबादत करके नेकी हासिल करने और नेकी पाने की उम्मीद, और गुनाह करने के बाद अजाब का मुस्तहिक, और गुनाह करने के बाद अल्लाह के यहाँ सजा पाने का हकदार, जो अपने आप के अंदर ये पावर ये शक्ति पैदा कर दे और ये बात समझने लगे कि इस दुनिया में हम जैसा करेंगे उसी के हिसाब से अल्लाह के यहाँ हमको बदला मिलेगा, जिसके अंदर ये बात पैदा हो जाए और उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजारने लगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया कि वही इंसान वही आदमी अल्लाह के यहाँ बड़ा ऊंचा मकाम और मर्तबा वाला। तो इस समाज के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा जो सबसे बड़ा इंसान है वो ये है कि कोई अमीर अपने आप को बड़ा समझे, गरीब को छोटा समझे, बिल्कुल नहीं, सब के सब बराबर है, सबको अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा से पैदा किया, लिहाजा अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को ऊंचा और बड़ा मकाम और मर्तबा वाला समझना और दूसरे को घटिया समझना ये जहालत वाली बात है। ऐसी बात से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो एहसान, बड़े बड़े एहसान मैंने आप लोगों को बताया। नंबर एक, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ना आते, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आज हम और आप भी ना जाने कितने माबूदों की, कितने देवी दुर्गा की पूजा करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एक अल्लाह का रास्ता दिखलाया, तौहीद का दर्स और सबक दिया, और दूसरा ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाया कि कोई बड़ा और छोटा नहीं, सब के सब बराबर, सब के सब आदम और हव्वा की औलाद है, अल्लाह के यहाँ ऊंचा मकाम और मर्तबा उसका होगा जो मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा,
ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की बंदगी इबादत करने वाला होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी के एहसान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वाहु दावा।